मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित KRT आर्ट्स BH कॉमर्स एंड एम साइंस कॉलेज नासिक हिंदी विभाग द्वितीय वर्ष BA सेमिस्टर 4 विषय साहित्य के भेद। विद्यार्थियों, साहित्य के भेद इस पेपर के अंतर्गत दृश्य काव्य इस विषय को हमें विस्तार से समझना है। आप लोगों ने इसके पूर्व काव्य के दो भेद समझ लिए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक सर्वाधिक प्राचीन प्रसिद्ध और लोकप्रिय विधा मानी जाती है। प्राचीन काल में जिसे रूपक कहा जाता था, आज वही नाटक नाम से प्रचलित हो गया है। इस नाटक विधा का परिचय आज हमें इस लेक्चर के माध्यम से कर लेना है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने समझ लिया है कि नाटक विधा प्राचीन प्रसिद्ध और लोकप्रिय विधा है। वह रमणीय और सामाजिक कला भी है। परिणामतः संपूर्ण काव्य कलाओं में नाट्य कला को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रतिष्ठित हुआ है। ऐसे नाटक को यहाँ काव्य के अंतर्गत ही रखा जाता है, इसी कारण काव्येषु नाटकम् रम्यम् कहा गया है, अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय है। काव्य के क्षेत्र में नाटक का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि काव्य शास्त्र का पहला ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र रहा है। तो यह नाटक जो विधाएं हैं उसका आरंभ, उसकी उत्पत्ति हमें भारत में यहाँ आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से दिखाई देती है। उन्होंने ब्रह्मा द्वारा प्राप्त दैवी प्रेरणा एवं ज्ञान अर्जन से नाट्य वेद के रूप में नाट्य शास्त्र की रचना की है। इसे पंचम वेद के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि आचार्य भरत के पूर्व से ही नाटक विधा की जो परंपरा है वह रही है और जो वर्तमान में भी आज जारी है। तो ऐसे यहाँ काव्य के क्षेत्र में नाटक का महत्व तो है, लेकिन हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के माध्यम से उसका आरंभ दिखाई देता है। नाटक की व्यापकता और महत्व समझकर भरत मुनि ने कहा है कि ऐसा कोई योग, कर्म, शास्त्र, कला, शिल्प नहीं जो नाटक में प्राप्त न होता हो। तो इस दृष्टि से यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक को काव्य का ही एक अंग दृश्य काव्य के रूप में माना गया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में यह स्थिति नहीं है। पाश्चात्य साहित्य में नाटक को ड्रामा कहते हैं। तो यहाँ संस्कृत में जैसे नाट्य शब्द से हिंदी में नाटक शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो नाटक और नाट्य में भी यहाँ अंतर किया जाता है। नाट्य एक न होकर नट द्वारा जो सर्वोत्तम अभिनय किया जाता है उसे नाट्य कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में ड्रामा कहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार हमें नाटक का जो स्वरूप है वो स्वरूप हमारे सामने आता है और नाटक एक अनुकरणीय यहाँ विधा है जिसका अभिनय किया जाता है। यानी किसी भी स्थिति में विशेष का अनुकरण नाट्य या अभिनय कहलाता है। तो ऐसे नाटक विधा में यहाँ हमें जो परिचय है वो परिचय अनेक विद्वानों द्वारा यहाँ उनकी परिभाषाओं से कर लेना है। कारण यहाँ दृश्य काव्य के अंतर्गत कथा वस्तु, चरित्र तथा दृश्यों का संगठन होता है जिसे रंगमंच पर दिखाया या प्रस्तुत किया जाता है।
वही नाटक है। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार वार्तालाप, संगीत, नृत्य, वेशभूषा, कथा वस्तु और अभिनय समन्वित करने पर जो रूप बनता है उसे नाटक कहते हैं। ऐसे नाटक को अनेक विद्वानों ने यहाँ परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसमें सर्वप्रथम जो विद्वान हैं वह हमारे सामने आते हैं, पंडित विश्वनाथ। उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में नाटक का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है, वो कहते हैं, प्रसिद्ध कथा वस्तु जिसमें विलास एवं समृद्धि का योग हो, सुख दुख की उत्पत्ति हो, निरंतर अनेक रसों का अस्तित्व हो, जो संपूर्ण मानव जीवन का प्रतिबिंब हो, ऐसी कृति का प्रस्तुतिकरण नाटक है। अर्थात जिसमें जीवन की सुख और समृद्धि हो, उसमें सुख दुख की या जो उत्पत्ति है वह कारण है वह हो, उसी के साथ निरंतर अनेक रसों का जो अस्तित्व है तो वह रसों का अस्तित्व उसमें हो, यानी जिससे मानव जीवन का प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे, तो उस दृष्टि से ऐसी प्रस्तुति को, ऐसी कृति को उन्होंने यहाँ नाटक कहा है। तो उसके बाद दूसरे जो विद्वान हैं पाश्चात्य साहित्य के, अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर, आप लोग उनके अनेक नाटकों के नाम जानते हैं, उन्होंने नाटक को इस प्रकार परिभाषित किया है। वह कहते हैं, नाटक को जीवन की अनुकृति मानकर प्रकृति के प्रतिबिंब के रूप में परिभाषित किया है, यानी जो जीवन है, ये जो सृष्टि है उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ नाटक में दिखाई देता है, उस प्रतिबिंब को उन्होंने नाटक पाया है, नाटक माना है, यानी एक प्रकार से यहाँ जीवन का दर्पण नाटक है, जो जीवन में होता है प्रकृति का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। इसी प्रकार अन्य पाश्चात्य विद्वान सिसरो, उन्होंने भी यहाँ नाटक की परिभाषा देते समय कहा है, नाटक जीवन और सत्य का प्रतिबिंब है, यानी जो जीवन है, मनुष्य का जीवन है, यहाँ उस जीवन का जो सत्य है वो सत्य उद्घाटित करने का कार्य, उसे प्रतिबिंबित करने का कार्य नाटक के माध्यम से होता है, यानी जो जीवन है उसका अनुकरण वह करके अभिनय के माध्यम से वो जो सत्य है वो सत्य यहाँ आरोपित करने का कार्य किया जाता है, उसे उन्होंने नाटक माना है। तो इस तरह हमें नाटक की जो परिभाषा है इन तीन विद्वानों के साथ, अगले जो विद्वान हैं पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के अनुसार, उन्होंने नाटक की परिभाषा इस प्रकार देने का प्रयास किया है। वो कहते हैं, किसी प्रसिद्ध या ललित कथा के आधार पर नाट्यकार द्वारा रचित रचना के अनुसार नाट्य प्रयोक्ता द्वारा सिखाए हुए नट जब दर्शकों के सम्मुख अभिनय, संवाद, संगीत आदि के द्वारा प्रेक्षकों के मन में रस उत्पन्न करके उन्हें तन्मय करते, उनका मनोविनोद करते तथा उस विनोद से उपदेश और मन शांति प्रदान करते हैं, तब वह संपूर्ण प्रयोग ही नाटक या रूपक कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ इस परिभाषा को इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माने कि ललित कथा, यानी किसी प्रसिद्ध ललित कथा, तो यहाँ किसी कथा के आधार पर, जीवन की घटनाओं के आधार पर कोई नाटककार नाटक की रचना करता है और उसके बाद उसका और एक पुनर्जन्म किसी निर्माता के माध्यम से, दिग्दर्शक के माध्यम से यह होता है और वह दिग्दर्शक उसे रंगमंच पर प्रस्तुत करता है, वो दर्शकों के सामने उसे ले जाता है, पात्रों के माध्यम से उसका अभिनय, संवाद, संगीत आदि के द्वारा प्रेक्षकों के मन पर वो रस उत्पन्न करके उन्हें तन्मय कर देता है, उनका मनोरंजन करता है, उन्हें उपदेश देता है, उनके मन को शांति प्रदान करता है, तब वो संपूर्ण प्रयोग यहाँ नाटक, रूपक या ड्रामा कहलाता है। तो ऐसी यहाँ जो परिभाषाएं हैं वो संपूर्णता से या पूर्ण परिभाषा हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार हमें भारतीय और पाश्चात्य जो नाट्य विद्वान हैं उन विद्वानों के द्वारा नाटक की जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं हमारे सामने इस प्रकार आती हैं और उससे हम कह सकते हैं, नाटक को जीवन की अनुकृति, रूपक, आदर्श चरित्रों का अभिनय, भावों का अनुकीर्तन आदि के रूप में यहाँ परिभाषित किया गया है। ऐसे यहाँ नाटक की परिभाषाओं के माध्यम से नाटक का जो स्वरूप है
स्वरूप हमारे सामने आता है और उससे स्पष्ट होता है कि नाटक में संपूर्ण मानव जीवन का सत्य यहाँ उद्घाटित होता है। नाटक में हम जीवन को अपने सामने देखते हैं, इसलिए उसमें रम जाना सहज है। तो यह नाटक यहाँ मनुष्य को रमणीय कर देता है, दर्शक को यहाँ रमणीय कर देता है। नाटक शिक्षित अशिक्षित नागरिक ग्रामीण सभी के द्वारा देखा जाता है। इसके रस आस्वादन के लिए किसी प्रकार की पूर्ववर्ती दक्षता की अपेक्षा नहीं होती। इसी कारण सभी काव्य भेदों में नाटक को सर्वाधिक रमणीय माना गया है। तो ऐसे ये नाटक विधा है और इस नाटक विधा के स्वरूप परिभाषाओं से आप लोग नाटक विधा को यहाँ समझ गए हैं। इसके बाद इस नाटक विधा का या नाटक का कैसे निर्माण होता है, इसके तत्वों के माध्यम से हमें नाटक विधा का जो निर्माण है वह निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसे नाटक के अंग भी कहा जाता है, नाटक के तत्व भी यहाँ कहते हैं। तो भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक के पहले 5 तत्व माने गए थे, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों के यहाँ अध्ययन से आज भारतीय और पाश्चात्य नाट्य तत्वों के आधार पर हमारे सामने यहाँ जो 8 तत्व हैं वो 8 तत्व सामने आते हैं। इसलिए नाटक में आज हमें पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव के कारण अनेक जो लक्षण हैं तत्व हैं वो समाहित होते हुए दिखाई देते हैं और उसी के आधार पर यह नाटक के जो 8 तत्व हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे कथानक, इसे कथावस्तु भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे प्लॉट कहते हैं। उसके बाद यह पात्र तथा चरित्र, जिसे अंग्रेजी में कैरेक्टर कहते हैं। तीसरा है कथोपकथन या संवाद, जिसे अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। चौथा है देश काल वातावरण, जिसे अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर एंड एनवायरमेंट कहते हैं। पांचवा है भाषा शैली, जिसे लैंग्वेज एंड स्टाइल अंग्रेजी में कहा जाता है। छठवा है उद्देश्य यानी पर्पज, और सातवा है अभिनेता यानी स्टेज एक्टिंग, और आठवां जो है रस। तो यहाँ रस ये भारतीय तत्व है, इसे आनंद के रूप में लिया जाता है, आस्वाद के रूप में यहाँ माना जाता है। तो ऐसे 8 तत्व हमारे सामने आते हैं। इन 8 तत्वों का हमें एक एक करके विस्तार से परिचय समझ लेना है। तो पहला है कथा वस्तु। नाटक में कथा वस्तु 2 प्रकार से सामने आती है और इन 2 प्रकारों को तुम लोग यहाँ देख सकते हैं, आधिकारिक कथा प्रासंगिक कथा। भारतीय आचार्यों ने इस तत्व पर विस्तार से एवं सूक्ष्म विचार किया है। कथा वस्तु का संगठन नाटक का प्रमुख तत्व होता है, क्योंकि कथानक के द्वारा ही नाटक अभिनय के साथ प्रस्तुत होता है। नाटक के प्रमुख 2 प्रकार माने गए हैं, यानी कथा वस्तु के 2 प्रकार माने गए हैं, एक आधिकारिक कथा वस्तु और दूसरी है प्रासंगिक कथा वस्तु। तो यहाँ आधिकारिक कथा वस्तु को यहाँ इस प्रकार माना जाता है कि जिस कथा के सूत्र नाटक के प्रारंभ से अंत तक बने रहते हैं वह आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है, इसी को मुख्य कथा भी कहा जाता है। दूसरे हैं प्रासंगिक कथा वस्तु, जो कथाएं मुख्य कथा की सहायिका के रूप में प्रसंगवश बीच बीच में आ जाती हैं, उन्हें प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। प्रासंगिक कथाओं से आधिकारिक कथा को बल मिलता है, सहयोग मिलता है, इसलिए उन्हें सहायक कथाएं भी कहते हैं। और वह जो आधिकारिक कथा है वह तेजी से आगे बढ़ती है। तो कथा को या तेजी से आगे बढ़ाने के लिए या प्रासंगिक कथाएं क्या करती है, सहायता करती है। यह मुख्य कथा के साथ सहायक कथाएं आती हैं, कारण मुख्य पात्र के साथ जो अन्य लोगों का जो जीवन है वह जीवन भी यहाँ उपस्थित हो जाता है, उनके जीवन के प्रसंग भी आ जाते हैं। तो वो प्रसंग ही या उनके जीवन की कथा प्रासंगिक कथा के रूप में आ जाते हैं और मुख्य कथा को यहाँ बल देने का कार्य उसका सहयोग
देने का कार्य, उसे गति देने का कार्य इस प्रासंगिक कथाओं से होता है। तो यहाँ आधुनिक काल में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने यहाँ कथा संगठन को लेकर, कथा संगठन या कथा विकास को लेकर यह पांच जो दशाएं हैं वह मानी है। पहली दशा है प्रारंभ, यानी नाटक का प्रारंभ, कथा वस्तु का प्रारंभ कैसे होता है। तो प्रारंभ करते समय यह संघर्ष को जन्म देने वाली घटना से उसका प्रारंभ होता है, घटना घटित होती है, उसके बाद उसका धीरे धीरे विकास होता है। यहाँ संघर्ष का उत्तर उत्तर विकास होकर अपनी चरम सीमा की ओर अग्रसर वह कथा वस्तु होती है। उसके बाद तीसरा जो यह चरण आता है या संगठन आता है वह है चरम सीमा, विरोध तथा संघर्ष की ऐसी चरम अवस्था जिसमें किसी एक पक्ष का प्रभाव स्पष्ट होता है। यानी आप लोग देखते हैं, यानी दो प्रवृत्ति दिखाई जाती है, एक अच्छी प्रवृत्ति और एक बुरी प्रवृत्ति, उनमें से एक की जीत होती है, एक पक्ष या प्रबल होता है और दूसरा पक्ष जो है वह क्षीण हो जाता है। ऐसे समय जो प्रबल पक्ष हैं उसकी जीत दिखाई जाती है, उसकी विजय दिखाई जाती है और अक्सर यहाँ बुराई पर अच्छाई की जो विजय है वो दिखाई जाती है और उसी को चरम सीमा कहते हैं। और उसके बाद जो कथा वस्तु है वह ढलान पर आ जाती है, उतार पर आ जाती है। इसलिए यहाँ चौथी जो अवस्था है वो उतार, कथा वस्तु के उतार में किसी एक पक्ष का विजय तो दूसरे का पतन यह होता है। मैंने पहले कहा था एक विजय होती है और दूसरे का पतन होता है, तो यह अवस्था या उत्तर अवस्था कहलाती है। उसके बाद धीरे धीरे कथा वस्तु का समापन होता है। तो यहाँ जो पांचवा चरण है वह है समापन, कथा वस्तु की अंतिम अवस्था है जिसका अंत सुखांत या दुखांत में होता है। अधिकांश संघर्ष मृत्यु विनाश या मिलन में परिणत होता है। यानी आप लोग देखते हैं नाटक का जो अंत है वो एक तो दुखांत होता है या एक तो सुखांत होता है। सुखांत में नायक जीत जाता है, उसका जो फल है वो फल प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वह जीत जाता है। या कभी कभी यहाँ जो नायक है, नायक का जीवन समाप्त हो जाता है और उस समय यह नाटककार एक संदेश देना चाहता है, या कभी कभी उसका दुखांत हो जाता है और दुखांत से उसकी जीवन की जो ट्रेजेडी है वह लोगों के सामने आती है। इस प्रकार हमें जो नाटक का अंत है, कथा वस्तु का अंत है, वह इस समापन के माध्यम से होते हुए दिखाई देता है। कथा वस्तु के लिए विषय की दृष्टि से कोई बंधन नहीं होता, उसके लिए सामाजिक पौराणिक राजनीतिक ऐतिहासिक आदि जो विषय है उसका चयन करके यहाँ कथा वस्तु का निर्माण होता है। इस तरह यहाँ जो कथा वस्तु है वह कथा वस्तु यहाँ सामने आती है और कथा वस्तु का निर्माण या नाटक का इन आधारों पर करता है। उसके बाद दूसरा जो तत्व है नाटक का वो है पात्र तथा चरित्र। आप लोगों ने इसके पूर्व नाटक का जो पहला तत्व है कथा वस्तु समझ लिया, अब दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र। ये नाटक का मुख्य तत्व है क्योंकि नाटककार अपने पात्रों के माध्यम से ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। नाटक का विकास पात्रों के द्वारा ही होता है। मुख्यतः नाटक में नायक प्रतिनायक नायिका तथा अन्य स्त्री पुरुष पात्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नाटक का प्रधान पात्र नायक होता है या नाटक का जो मुख्य पात्र है उसे नायक कहा जाता है। तो यहाँ जो नायक हैं उसको सहायता करने वाले जो अन्य पात्र हैं उन्हें गौण पात्र के रूप में भी जाना जाता है। तो नायक के सहायक पात्र यहाँ कई पात्र होते हैं, तो उन पात्रों को यहाँ पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में नायक स्वरूप निर्धारण पर यहाँ विचार नहीं हुआ है, परंतु भारतीय नाट्यशास्त्रियों ने नायक स्वरूप पर यहाँ विस्तार से विचार किया है। भारतीय मतानुसार नायक के चार प्रकार माने गए हैं, वो आप लोगों के सामने हैं। धीरोदत्त, धीरललित, धीरोदत्त, धीर प्रशांत। तो यहाँ जो धीरोदत्त नायक हैं
उस दुर्दत्त नायक के बारे में कहा जाता है कि यह नायक बलवान, गंभीर, क्षमावान, मितभाषी, स्थिर तथा विनम्र होता है। जैसे तुम लोग रामायण में राम, महाभारत में जैसे यहाँ युधिष्ठिर हैं, उसी प्रकार यहाँ भरत, ये जो पात्र हैं इन्हें धीरोदात्त पात्र कहा जाता है। दूसरा है धीर ललित, ये नायक शांत, मृदु, कलाप्रिय और सुखी होता है। तीसरा है यहाँ धीरोदत्त, यह घमंडी, प्रचंड, शूर, मायावी, चंचल, धूर्त और आत्म प्रशोषक होता है। और चौथा है धीर प्रशांत, यह नायक सामान्य गुणों से युक्त, शांतिप्रिय, धैर्यशाली और कोई उच्च कुल उत्पन्न यहाँ होता है या किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। इसी के साथ नायिका, नायिका में भी नायक की तरह अनेक विशेषताएं होती है। भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार नायिका नायक की पत्नी या प्रेयसी होती है, परंतु पाश्चात्य विचार अनुसार कोई भी स्त्री नायिका हो सकती है। कर्म, जाति, परिस्थिति, वय तथा प्रेम के आधार पर इनके अनेक भेद किए जाते हैं। नायक नायिका को नायिका नायक को प्रेरणा देती हैं और आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त नाटक में नायक के प्रतिद्वंदी प्रतिनायक या खलनायक होता है, जो धूर्त कपटी होता है। इसके साथ ही विदूषक भी नाटक के पात्र होते हैं, जो कथा वस्तु को गति देने का कार्य करते हैं। तो इस तरह यहाँ नाटक के जो पात्र हैं वो पात्र यहाँ इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं। उसके बाद है यहाँ तीसरा तत्व कथोपकथन या संवाद, जिसे अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। तो यहाँ कथोपकथन तीन प्रकार के होते हैं, श्राव्य संवाद, अश्राव्य संवाद और स्वगत कथन। तो यहाँ पात्रों के पारस्परिक बातचीत को कथोपकथन या वार्तालाप कहते हैं। कथोपकथन नाटक का प्राण माने जाते हैं, क्योंकि नाटककार अपने मन की सारी बातें पात्रों के कथोपकथन द्वारा ही दर्शकों के सामने रखता है। इसमें नाटककार की कुशलता एवं अभिव्यक्ति शैली के दर्शन होते हैं। नाटक के संवाद जितने चुस्त, प्रभावशाली एवं सूक्ष्म होंगे, नाटक उतना ही चमत्कारपूर्ण एवं प्रभावशाली बन जाता है। उत्तम संवादों में सरलता, सुंदरता, पात्रानुरूपता, सार्थकता, चतुरता एवं चमत्कारिता आदि गुण आवश्यक हैं। अच्छे संवाद द्वारा पात्रों के चरित्रों पर यह प्रकाश पड़ता है और कथा वस्तु को गति मिलती है। इस तरह यहाँ नाटक के जो संवाद है वो नाटक के संवाद या कथोपकथन महत्वपूर्ण होते हैं, और इसमें श्राव्य और अश्राव्य तथा स्वगत, ऐसे तीन प्रकार के जो संवाद हैं या नाटक का प्रयुक्त करता है। श्राव्य संवाद यानी दर्शकों के सामने जो पात्र बोलते हैं उसे श्राव्य संवाद कहते हैं। कुछ संवाद यहाँ अप्रत्यक्ष से प्रयुक्त होते हैं, गोपनीय होते हैं, दूसरे पात्रों के माध्यम से व्यक्त होते हैं, उन्हें अश्राव्य संवाद कहा जाता है। और तीसरा है स्वगत संवाद, यानी कोई पात्र एकांत में यहाँ स्वयं से संवाद करता है, उस संवाद को स्वगत संवाद कहा जाता है। इस तरह यहाँ संवादों के तीन प्रकार लेकर कोई भी नाटक की जो संवाद है या कथोपकथन है वह निर्माण होते हैं। यहाँ इसके बाद हमें अगला तत्व देखना है, देशकाल वातावरण। तो यह तुम लोगों के सामने है देशकाल वातावरण। देशकाल वातावरण नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ साहित्य की प्रत्येक विधा के अंतर्गत देशकाल तथा वातावरण यह अनिवार्य होता है। तो यह तुम लोग देख सकते हैं कि इस तत्व के अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा, पात्रों की भाषा, तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण आदि बातों को स्पष्ट किया जाता है। नाटककार को यह ध्यान में रखना होता है कि जिस स्थान में और जिस समय लोग जैसे वस्त्र आभूषण पहनते हैं और उस समय जो भाषा प्रचलित हो उसी का प्रयोग नाटक के पात्र करते हैं। यानी ऐतिहासिक कोई विषय है, घटना है,
तो उस प्रसंग को लेकर ऐतिहासिक भाषा ही यानी प्राचीन काल की भाषा ही वह महत्वपूर्ण होती हैं, उसी प्रकार की वेशभूषा भी आवश्यक होती हैं। और इसी तरह यहाँ जो रंगमंच पर देश काल जो है वो देश काल स्थल काल घटना के अनुरूप यह रखा जाता है, और उन तीनों का जो समन्वय है उसे संकलन त्रय कहा जाता है। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में यह संकलन त्रय को अधिक महत्व दिया गया है। इसके स्थान पर यानी इसके अंतर्गत स्थान की एकता काल की एकता और कार्य की एकता दिखाई जाती है। और स्थान की एकता अर्थात जिस स्थल की वह घटना को दिखाया जाए, एक व्यक्ति एक दृश्य में एक स्थान पर और दूसरे दृश्य में दूसरे स्थान पर न दिखाया जाए, तो इसे यहाँ स्थान की एकता कहते हैं। काल की एकता अर्थात घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध दिखलाना, यानी जो घटना पूर्व घटी हो उसका चित्रण पूर्व और जो घटना बाद में घटी हो उसका चित्रण बाद में यहाँ आवश्यक है। कार्य की एकता अर्थात मुख्य कथा और प्रासंगिक कथा का एक उद्देश्य एक सिद्धांत हो, सहायक कथाएं मुख्य कथा में बाधक न बने, तो इस तरह यहाँ मुख्य कथा ही प्रधान रहनी चाहिए। इस दृष्टि से यह तत्व यहाँ महत्वपूर्ण है। उसके बाद है पांचवा तत्व भाषा शैली। भाषा शैली का यानी वो अपेक्षाकृत सरल स्पष्ट सजीव तथा प्रभावपूर्ण यहाँ भाषा का प्रयोग होना चाहिए। नाटक में संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और संवादों को सरस बनाने के लिए भाषा शैली का आधार लेना पड़ता है। नाटक की भाषा सरस सरल रोचक प्रभावपूर्ण एवं पात्रानुकूल होनी चाहिए। इन गुणों के अभाव में नाटकों के संवाद फीके पड़ जाते हैं और नाटक नीरस होने लगता है। भाषा के साथ साथ नाटक की शैली भी प्रभावकारी होनी चाहिए। शैली में नाटकीयता उसी के साथ यहाँ जो प्रभावशीलता वह आवश्यक होती है। इसमें गीत और नृत्य की भी सहायता ली जाती है। उस दृष्टि से आज आधुनिक नाटकों में प्राचीन नाट्य शैलियों का पूर्णतः पालन नहीं होता है, तो अनेक प्रकार से यहाँ जो शैली है उस शैलियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह भाषा और शैली का प्रयोग यहाँ वर्तमान के संदर्भ में किया जाता है, तो इस दृष्टि से भाषा शैली नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद यहाँ छठवां तत्व है उद्देश्य, यानी नाटक लिखने का उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना, उन्हें अपने युग की समस्या से अवगत कराना, उनके साथ आदर्शों की जो प्रस्थापना है वो करना। इसी के साथ यहाँ जो चतुर्वर्ग जो है जिसे चार पुरुषार्थ कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति इसे माना जाता है, लेकिन पाश्चात्य साहित्य में इसे अलग दृष्टि से देखा जाता है। मनोरंजन है, उसी के साथ युग की कोई समस्या है, उस दृष्टि से या उद्देश्य को देखा जाता है। उनका उद्देश्य नाटक में जीवन का यथार्थ चित्रण करना है, इसलिए वे नाटक में सामाजिक धार्मिक अथवा राजनीतिक समस्या का उद्घाटन करते हैं। भारतीय दृष्टि से यहाँ चार पुरुषार्थों को महत्व दिया गया है। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से समाज के सामने अपना उद्देश्य रखता है। तो इस प्रकार आधुनिक काल में या वर्तमान युग में आज जो जीवन की समस्या है उस समस्या को विसंगति को या उद्घाटित करने का कार्य होता है, और दर्शकों के सामने या वह जो घटनाएँ हैं वह कथा है वह रखी जाती है, वह जीवन रखा जाता है और दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। उसमें उनका मनोरंजन भी होता है, उनके सामने समस्या का उद्घाटन भी हो जाता है, उनके सामने आदर्श भी प्रस्तावित हो जाते हैं और उन्हें कोई संदेश देने का कार्य भी यहाँ किया जाता है। तो इस तरह यहाँ नाटक के ये छह तत्व के साथ सातवां तत्व है अभिनेता। अभिनेता यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। अभिनय ही वो तत्व है जिसके कारण नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। जो नाटक अभिनय नहीं होते वे निम्न स्तरीय माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अभिनय के चार प्रकार बतलाए हैं, यह आप लोगों के सामने हैं। एक आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य, चौथा सात्विक। तो यह
चार तत्व यहाँ या प्रकार अभिनय के माने गए हैं। आंगिक मतलब है, आंगिक यानी पात्र अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से अनेक भावों की अभिव्यक्ति करता है। इसके अंतर्गत शारीरिक अभिनय, मुख द्वारा व्यक्त किए गए हावभाव तथा विभिन्न मुद्राओं द्वारा किए गए अभिनय सम्मिलित होते हैं। वाची का मतलब है वाणी द्वारा व्यक्त किए गए भाव आते हैं। अनेक शास्त्रों, छंद शास्त्रों, व्याकरण, संगीत शास्त्र आदि पर आधारित यह अभिनय होता है। पात्र जो बोलते हैं उसमें कम अधिक मात्रा में उपयुक्त शास्त्रों का समावेश रहता है। इस प्रकार यह अभिनय विशेष व्यापक एवं महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है आहार्य। आहार्य अभिनय के अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा, परिधान, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री आदि बाह्य वस्तुएं आती हैं। ये सारी वस्तुएं पात्र को सुसज्जित कर देते हैं, जो हमारे मन को आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए इन सारी वस्तुओं के साथ किए गए अभिनय को आहार्य अभिनय कहा जाता है। और चौथा है सात्विक। सात्विक अभिनय के अंतर्गत भाव और रसों का सामंजस्य कर विशेष भाव व्यक्त किए जाते हैं। इसमें सूक्ष्म आंतरिक भावों का प्रकाशन होता है। इस प्रकार चार प्रकार से जो अभिनय है वह अभिनय यहाँ किया जाता है। तो वो प्रकार तुम लोगों ने समझ लिए। आठवां तत्व है रस। तो यहाँ भारतीय आचार्यों ने रस को भी नाटक का एक प्रमुख तत्व माना है। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में इस तत्व की जगह उद्देश्य को ही मुख्य माना गया है, लेकिन भारतीय आचार्यों ने रस का भी महत्व माना है। भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक में श्रृंगार, वीर और करुण में से किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए, अन्य रस गौण रूप में आ सकते हैं। आचार्य भरत ने शांत रस को नाटक के अनुकूल नहीं माना है, परंतु उनके अनुसार नाटक के लिए आठ रस प्रमुख हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटकों के ये जो तत्व हैं, ये तत्व या अधिकांशता यहाँ हमें समान दिखाई देते हैं। आज आधुनिक नाटकों में प्राचीन भारतीय नाट्य तत्वों में बड़ा परिवर्तन आया है। पाश्चात्य नाट्य साहित्य के प्रभाव में प्राचीन भारतीय नाटक के तत्व यहाँ प्रभावित हुए हैं। इस तरह यह नाटक के ये जो आठ तत्व हैं, ये आठ तत्व हमारे सामने आते हैं और इन तत्वों के माध्यम से आप लोग समझ गए कि नाटक का निर्माण इन तत्वों के आधार पर होता है। तो आप लोगों को ये तत्व यहाँ अच्छी तरह से याद रखने हैं। आप लोगों को मैं यहाँ इस विषय के साथ धन्यवाद देता हूँ।